पंचायती राज चुनाव का आज अंतिम चरण में मतदान किया जा रहा है। अभी तक 15% के करीब मतदान हो चुका है। लोग घरों से निकलकर मतदान करने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ऊना में 77 पंचायतों के लिए मतदान किया जा रहा है, जिसमें 129 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 1,29,000 वोटर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हिमाचल वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सती ने भी अपने गाँव जलग्राम डब्बा में अपना वोट डाला। इस दौरान मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि आज लोग मतदान करने को लेकर काफी उत्साह हैं। लोगों ने केंद्र सरकार और जयराम सरकार की नीतियों को सराहा है। यही कारण है कि जितने भी चुनाव अभी तक हुए हैं, शहरी निकायों के हों या पंचायतों के हों, इनमें ज्यादातर बीजेपी समर्थित लोग जीत कर सामने आए हैं। सती ने कहा कि कांग्रेस को इन चुनावों में अपनी जमीनी हकीकत का पता चल चुका है। आज भी यहां मतदान हो रहा है, शाम तक चुनावों के परिणाम आएंगे, उसमें भी ज्यादातर बीजेपी से समर्थित लोग जीत कर सामने आएंगे। वहीं उन्होंने बीडीसी और जिला परिषद चुनावों में भी बेहतर जीत होने का दावा किया है। किस तरह से देख रही है भाजपा? हिमाचल प्रदेश में 3-tier सिस्टम जो है लोकतंत्र का, पंचायतें, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, जिला परिषद, उन सब के चुनावों का आज अंतिम चरण है और हिमाचल प्रदेश में जनता ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। मैं उसके लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जहाँ भी वोट पोल हुई है वहाँ पर लगभग 80% वोट पोल लोगों ने किया है। बहुत बड़ा परसेंटेज है जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए अच्छा है और इस लोकतांत्रिक परम में हर आदमी को हिस्सा लेना चाहिए। वहाँ पर जरूर जाना चाहिए पोलिंग बूथ तक वोट डालने के लिए। हिमाचल में अभी तक जो परिणाम आए हैं, उन परिणामों से ये ध्यान में आया कि जितने भी नगर पंचायतें, नगर परिषदों के चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बहुमत में सदस्य चुन करके आए और चेयरमैन बन रहे हैं। आज भी अनेकों नगर परिषदों का चुनाव है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज भी जितने नगर परिषदों में चुनाव है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग चेयरमैन बन करके आएंगे। उसके साथ साथ अगले कल से जिला परिषदों के चुनावों का परिणाम निकलेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का परिणाम निकलेगा, तो उसमें भी बीजेपी बहुमत में आएगी। और हिमाचल प्रदेश के प्रधान उप प्रधान पार्टी लेवल पर चुनाव नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी के समर्थक लोग मैक्सिमम जीत करके आए हैं और ये हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अच्छे काम के ऊपर एक मोहर है।